प्रॉब्लम। तो एडी पैरेलल टू क्या दिया है, एडी किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, बीसी और एपी परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी निकालना। तो अभी देखो इधर परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। देखो ट्रायंगल एबीसी किधर है, ये वाला एबीसी, हाँ एबीसी, हाँ में बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, एपी है ना, एपी, हाँ। और ट्रायंगल बीसीडी देखेंगे, ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी का बेस क्या है, बीसी है, हाँ बीसी है, हाँ बीसी। और दोनों ट्रायंगल किधर है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, हाँ दोनों ट्रायंगल किधर लाए हो रहे, दो पैरेलल लाइन के बीच में। जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा तो उसका बेस और हाइट दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है, बेस और हाइट दोनों क्या रहता है, इक्वल। तो उसका आंसर रहेगा 1/2, यानी कि 1:1। रीजन क्या लिखेंगे, बेस एंड हाइट आर इक्वल, आएंगे समझ में, यानी कि क्यों ऐसा लिखा, बेस एंड हाइट क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल किधर लाई कर रहे, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, दोनों पैरेलल किधर लाई कर रहे, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, हाँ। और दोनों ट्रायंगल किधर लाई कर रहे, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और दोनों ट्रायंगल का बेस तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हाइट भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा ना, इक्वल लास्नर, हाँ। उसका रेशियो आएगा 1:1, आया समझ में, हाँ। लिखो इसको। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया है चार क्वेश्चन सॉल्व करना है फिफ्थ में, हाँ। तो इन द एडजोइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है, देखो ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर, बीसी, और जो एडी है, जो एडी है वो भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, इसका पी क्यू बी किधर है, देखो पी क्यू बी वाला, ये वाला, हाँ। ये वाला पी क्यू बी, तो पी क्यू बी में बेस क्या है, बी क्यू है, बी क्यू बेस है, बी क्यू, हाँ। और हाइट क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू है, हाँ। और दूसरा ट्रायंगल दिया है पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी में बेस क्या है, पूरा बी सी है ना, बी सी है, हाँ। और हाइट क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू एच है, तो दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है ना, हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो बेस के करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा, तो पी क्यू बी का बेस क्या है, बी क्यू, बी क्यू अपॉन क्या आएगा, बी सी। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल हाइट, रीजन क्या लिखना है इसका, हाइट इक्वल, हाँ हाइट क्या है उसका, इक्वल है, हाइट इक्वल लिख सकते हैं सर, रीजन माइनस लगता का, हाँ रीजन लिखना पड़ेगा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन लिखना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद देखो ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी में बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, पीक्यू, और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बेस बीसी और हाइट क्या है, एडी है ना, एडी है, पर बेस सेम है, मग हाइट सेम है, पीक्यू अपॉन एडी, यानी रीजन है ना, बेस इक्वल, हाँ, पीक्यू अपॉन क्या आएगा, एडी है ना, रीजन हाँ. क्या लिखेंगे, बेस इक्वल, हाँ. क्या लिखना, रीजन बेस, बेस इक्वल, बेस इक्वल लिख रहे हैं। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन जिसमें क्या दिया, देखो एबीसी, एबीसी, एबीसी में बेस ए बी सी और हाइट ए डी, और ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में बेस ए डी सी और हाइट ए डी, तो क्या इक्वल है, दोनों में हाइट इक्वल है ना, हाँ एडी हाइट इक्वल है दोनों का, हाँ। आएगा बीसी, बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन एडी आएगा ना, नहीं बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी है ना, तो रीजन क्या लिखेंगे, हाइट इक्वल, हाइट इक्वल, हाइट इक्वल, हाइट इक्वल। लास्ट वाला देखो एडीसी, एडीसी इसमें बेस डीसी और हाइट एडी है, और पीक्यूसी, पीक्यूसी में बेस क्यूसी और हाइट पी, इसमें कुछ इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल है सर, हाइट का है, हाइट का है तेजी, पीक्यूसी की हाइट क्या, पीक्यू, पीक्यू, पीक्यू हाइट है ना, परपेंडिकुलर है पीक्यू, हाँ हाँ,
तो कुछ इक्वल एक क्या नहीं है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का बेस क्या है, डीसी, तो मल्टीप्लिकेशन, डीसी इंटू हाइट कितना है एडी, डीसी इंटू एडी आएगा, और नीचे ट्रायंगल पीक्यूसी का बेस क्यूसी, क्यूसी और हाइट क्या आएगा पीक्यू। रीजन क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, आया समझ में? हाँ लिखो इसको। हाँ सर, स्टेटमेंट देखो क्या दिया, रीड करो स्टेटमेंट क्या दिया है, तो इसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में उसको क्या बोलेंगे, बीपीटी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो इफ अ लाइन पैरेलल, इफ के बाद का क्या रहता है, गिवन रहेगा, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन के बाद जो रहेगा, देन के बाद का जो रहेगा वो क्या करना है, हमें प्रूव करना है, देन द लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। हाँ तो देखो क्या दिया है, इप सपोज एक ट्रायंगल है, देखो इधर दिखाता हूं मैं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो उन्होंने क्या दिया है, देखो इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक लाइन है वो ट्रायंगल के कौन से, तो एक साइड को पैरेलल है, सपोज एक लाइन लेता हूं और वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दो साइड को टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज एक लाइन है, सपोज ये लाइन यल है, सपोज ये लाइन क्या है, यल है, तो लाइन यल किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल, उन्होंने दिया है लाइन एल किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, और जो लाइन यल है वो ट्रायंगल को ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि इधर ए बी को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और इधर ए सी को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में? हाँ। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, ये जो लाइन है ये ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये प्रूव करना है, आएगी समझ में, क्या प्रूव करना, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी प्रोपोर्शन। हाँ, यानी कि जो लाइन यल लाइन ए बी और ए सी को पी और क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो यल लाइन है बीसी को पैरेलल दिया है, तो उन्होंने क्या बोला है, जो लाइन यल है वो ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या दिखाना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, प्रूव करना है, है ना? तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी को, ए बी को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, आया समझ में, ये गिवन हो गया। हाँ, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, इधर रॉन्ग किया है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना, क्या प्रूव करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूव करना है, क्यू सी, आया समझ में? हाँ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये फर्स्ट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है आईएमपी, तो फर्स्ट थ्योरम, तो इसमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन सेगमेंट पी से सी ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन डैश डैश से पी से सी ज्वाइन करो कंस्ट्रक्शन, और बी से क्या करो क्यू को ज्वाइन करो, आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, तो इतना लिख के लेना, फिर मैं क्या करता हूँ, आपको प्रूफ बताता हूँ, नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे उसका हम। तो प्रूफ इजी है, देखो क्या दिया है, देखो प्रूफ में
सपोज दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी क्यू बी, तो दोनों में क्या है, दोनों का हाइट इक्वल है। देखो मैं डायग्राम निकालता हूँ बाजू में, और ट्रायंगल कौन सा था, ए बी सी ट्रायंगल था, ए बी सी है ना, और उसके बाद पी क्यू कट कर रहा था, पी क्यू पॉइंट में लाइन एल पी आर क्यू पॉइंट में कट कर रहा था, इधर पी और इधर क्यू पॉइंट है ना। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, क्यू आर बी ज्वाइन किया था और पी आर सी ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए ऊपर वाला ए पी क्यू है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू बी। देखो ए वाला ट्रायंगल ए पी क्यू, ए वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू बी। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या रहेगा आप अच्छे से देखेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पी क्यू बी क्या है, अबट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, और दोनों पी क्यू से ज्वाइन किया हुआ है, आया क्या समझ में, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्यू है, तो ऐसा रहेगा तो उसमें हाइट इक्वल आएगा, दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल आएगा, हाइट इक्वल आएगा, तो हाइट इक्वल रहेगा तो उसका जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग टू क्या लेंगे, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस लेंगे, हाइट इक्वल इसलिए, तो एरिया ट्रायंगल PQ का बेस आएगा AP और एरिया ट्रायंगल PQB का बेस आएगा PB, तो इसलिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB लिखा, आया कि समझ में सर, म्हणजे बेस सेम है म्हणून लिहिले का ते, नहीं बेस सेम नहीं, हाइट सेम है, हाइट सेम है ना, सर PQ हाइट है का, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कैसे हाइट अज्यूम किया, सपोज आप एरिया ट्रायंगल APQ लेंगे और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू बी, दोनों का कॉमन पॉइंट क्यू है और एक एक्यूट ट्रायंगल है और एक ऑब्टूस ट्रायंगल है, इसलिए दोनों में हाइट इक्वल आएगा, आया के समझ में, अच्छा क्यू पॉइंट घेतला म्हणून, हां क्यू कॉमन पॉइंट है और एपी क्यू एक्यूट ट्रायंगल ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल पी क्यू बी है उसके नीचे वाला ऑब्टूस ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसलिए उसमें हाइट इक्वल आएगा, ऐसा कंसेप्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने उनका रेशियो बेस के प्रोपोर्शन में लिखा, APQ का बेस AP लिखा और PQB का बेस PB लिखा और उसको फर्स्ट पॉइंट दिया, आया समझो, फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल लिया APQ और दूसरा ट्रायंगल लिया PQC, ट्रायंगल APQ और PQC में भी कॉमन पॉइंट P है और APQ ट्रायंगल एक्यूट है और PQC ट्रायंगल ऑब्टूस ट्रायंगल ट्रायंगल है, तो उसका उसमें भी क्या रहेगा, हाइट इक्वल रहेगा, तो रेशियो आएगा करस्पॉन्डिंग टू बेसिस, यानी कि AQ अपॉन QC, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस, सेकंड पॉइंट, आया समझ में, ये सेकंड पॉइंट हो गया, उसके बाद हाइट करस्पॉन्डेंस घेतले म्हणून का, हां हां हाइट, हाइट इक्वल है, आया क्या समझ में, हां तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB और PQC, देखो PQB का बेस PQ है और PQC का भी बेस PQ है ना, PQ होते हाँ, और क्या है सेगमेंट PQ पहले तो सेगमेंट BC है, तो बेस इक्वल है और दो लाइन के बीच में दो ट्रायंगल रहेगा, तो उसका बेस भी इक्वल रहेगा और दोनों ट्रायंगल का हाइट भी इक्वल आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा, रेशियो 1:1, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, आएगा समझ में, तो दोनों ट्रायंगल PQB और दोनों ट्रायंगल PQC दो पैरेलल लाइन के बीच है और उनका बेस PQB इक्वल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए उनका रेशियो आएगा 1:1 आएगा, 1:1 एंड किसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल PQB और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो हमने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC लिखा, आया समझ में, थर्ड पॉइंट पर सामने लिखा, तो देखो दोनों ट्रायंगल किधर है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, दोनों तो PQ और BC पैरेलल दोनों, हां हां, दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल है तो और दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा तो उनका रेशियो 1:1 रहता है, अब 1:1 इसका मतलब
क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, पीक्यूबी और पीक्यूबीसी का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आया समझ में? तो थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री ऑब्जर्व करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी प्रूव करना है ना। तो अभी देखो इक्वेशन वन टू थ्री ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा पीक्यूबी और पीक्यूसी हमने इक्वल दिखाया थर्ड इक्वेशन में, और ऊपर का एपीक्यू और एपीक्यू ऑलरेडी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका राइट हैंड साइड एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी भी इक्वल आएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री से तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, इक्वल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 192, फ्रॉम इक्वेशन 192। तो प्रूव हो गया, आएगी समझ में? हाँ। तो पहले हमने क्या किया, देखो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीक्यू और पीक्यूबी, उनका हाइट क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूबी तो उसका कॉमन पॉइंट क्यू है, और ट्रायंगल एपीक्यू एक्यूटेंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पीक्यूबी आपको सेंगल ट्रायंगल है। तो हाइट इक्वल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग टू क्या आएगा, बेस आएगा, रेशियो। इसलिए हमने एपी अपॉन पीबी लिखा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूसी में भी सेम है, पी कॉमन पॉइंट है, ट्रायंगल एपीक्यू एक्यूटेंगल ट्रायंगल पीक्यूसी आप टू सेंगल ट्रायंगल है, तो उसमें उसमें भी रेशियो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग टू बेसिस, एक्यू अपॉन क्यूसी रखा, उसको सेकेंड पॉइंट दिया। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, ट्रायंगल पीक्यूबी और ट्रायंगल पीक्यूसी दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और उनका पीक्यू बेस सेम है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा तो हाइट भी सेम रहेगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या रहेगा, 1:2 है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया इक्वल आएगा। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1, 2, 3 ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद दोनों ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया क्या लिखा, इक्वल लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3। सपोज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वेशन 1 और 2 का क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देयरफॉर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो आया समझ में? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, इसको लिख के लेना, लिखो इसको।